स्टडी अबाउट दी बोरोन फैमिली। बच्चों आपको पता है बोरोन फैमिली में जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है बोरोन, उसके बाद में है एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ठीक है, अब बच्चों ये एलिमेंट्स आपको पता है, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। ठीक है, अगर हम इनकी कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं बच्चों, तो आपको पता है इन सब के अंदर बाहर के शेल में टोटल 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, अब बच्चों इसके अंदर आपको एक चीज़ इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी है, वो ये है कि इसमें जो गैलियम है सिर्फ वही ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड है। इसमें गैलियम ही ऐसा एलिमेंट है जो क्या है, लिक्विड। रेस्ट ऑल एलिमेंट्स जो हैं इसके अंदर वो कौन से स्टेट में होते हैं, रेस्ट ऑल एलिमेंट्स आर इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो सारे ही क्या है, सॉलिड स्टेट में है एक्सेप्ट गैलियम। गैलियम क्या है, लिक्विड है एट रूम टेम्परेचर। अब बच्चों अब जब हम बात करते हैं बोरोन की, तो इसमें जो बोरोन है ये हार्डेस्ट एलिमेंट है अमंग दी ऑल। बोरोन जो है वो हार्डेस्ट एलिमेंट है। अब ये हार्डेस्ट एलिमेंट क्यों है, अब बच्चों इसके पीछे रीज़न क्या है, देखिए ये हार्डेस्ट एलिमेंट क्यों है, क्योंकि सबसे पहला रीज़न है इसका साइज जो है वो स्मॉल है। ये सबसे स्मॉलेस्ट है अमंग दी ऑल एलिमेंट्स, इन जो भी एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, ओनली 13 ग्रुप्स की। ठीक है ना, पूरे पीरियोडिक टेबल में नहीं, 13 ग्रुप में जो बोरोन है वो सबसे छोटा है, क्योंकि हम जानते हैं डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है, तो बोरोन का साइज सबसे छोटा। और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात ये बच्चों, ये कैसा नेचर शो करता है, ये नॉन मेटेलिक नेचर शो करता है। और क्योंकि ये स्मॉल साइज का और नॉन मेटेलिक नेचर शो करता है, इस वजह से बोरोन और बोरोन के बीच में काफ़ी अच्छा अट्रैक्शन फोर्स होता है। दिस इज स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन बोरोन एंड बोरोन, बिकॉज ऑफ दीज टू बिहेवियर बोरोन एंड बोरोन हैव स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स। ठीक है, तो ये हार्डेस्ट क्यों है, क्योंकि इनका साइज छोटा है और नॉन मेटेलिक, नॉन मेटेलिक और साइज छोटा होने की वजह से बोरोन और बोरोन आपस में कनेक्टेड हो जाते हैं। ठीक है, और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फोर्स से कनेक्ट होते हैं। इस वजह से बच्चों हम ये देखते हैं कि बोरोन के जो कंपाउंड्स हैं वो हमें 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर में मिलते हैं, और जनरली जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो होता है आइकोसाहेड्रल। ठीक है, तो आइकोसाहेड्रल या फिर आइकोसाहेड्रोन की फॉर्म में ये हमें मिलते हैं। ठीक है, तो आपको रीज़न समझ में आ गया है हार्डेस्ट का क्या रीज़न है, फर्स्ट क्योंकि इसका स्मॉल साइज है, और सेकंड ये नॉन मेटेलिक है, जिसकी वजह से बोरोन बोरोन के बीच में स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन होता है, और ये क्या करते हैं, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जनरली जो देखा जाता है वो आइकोसाहेड्रल फॉर्म देखा जाता है। ठीक है बच्चों, अब इस आइकोसाहेड्रोन के अंदर 12 एटम्स होते हैं बोरोन के। अगर हम इसके अंदर बात करें कि कितने एटम्स होते हैं बोरोन के, तो बच्चों कीप इन माइंड कि इसमें 12 एटम्स होते हैं बोरोन के। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया है। अब देखिए, अगर हम बोरोन की आइसोटोप की बात करें, तो बोरोन हमें 2 आइसोटोप्स मिलता है, एक है B10 और एक है B11। सो दीज आर दी 2 आइसोटोप्स ऑफ बोरोन्स, बोरोन इन 2 आइसोटोप्स में मिलता है। तो बच्चों अभी जो टोटल हमने कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस पॉइंट से, इस टॉपिक से, वो ये है कि इन एलिमेंट्स के अंदर 13 ग्रुप की जब हम एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो इसके अंदर जो गैलियम है वो लिक्विड है, रेस्ट ऑल क्या है, सॉलिड स्टेट के हैं। सेकेंड पॉइंट हम ये समझ रहे हैं कि जो बोरोन है वो हार्डेस्ट एलिमेंट है, क्यों, क्योंकि इसका साइज स्मॉल है और ये नॉन मेटेलिक है। ठीक है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है कि बाकी सारे एलिमेंट्स मेटेलिक नेचर शो कर रहे हैं, लेकिन अगर हम बात करें बोरोन की, तो ये क्या नेचर शो करता है, ये शो करता है हमें नॉन मेटेलिक बिहेवियर। इट मीन्स ये क्या है, बोरोन जो है वो है नॉन मेटल। ठीक है, तो ये हमने यहाँ तक इम्पॉर्टेंट बात पढ़ ली है। अब बच्चों अब इस बोरोन फैमिली का हम पढ़ते हैं ट्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टी के हम ट्रेंड्स को स्टडी करते हैं। सो लेट्स सी द ट्रेंड ऑफ द बोरोन फैमिली। तो बच्चों सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं अबाउट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही इजी है, हम जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, सिंस चैप्टर 3 हम इसको स्टडी करते आ रहे हैं,
तो आपको पता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आप लिखेंगे नोबल गैस यहाँ पे, और फिर आपको आउटर कॉन्फ़िगरेशन लिखना है जो होगा NS2 एंड NP यहाँ पे, क्योंकि हम बोरोन फैमिली की बात कर रहे हैं तो NP1। यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन की जब हम बात करते हैं तो इनका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं बच्चों? 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। अगर हम इनकी बात करते हैं कि ऑक्सीजन स्टेट क्या शो करते हैं, तो ये जो ऑक्सीडेशन स्टेट है मोस्ट प्रॉब्ली, क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो 3 इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और 5 गेन कर सकते हैं, तो दे विल ट्राई टू लूज 3 इलेक्ट्रॉन। देयरफॉर ये कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं? +3 की ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, और कहीं कहीं पे ये हमें +1 की भी मिलती है। मतलब जो हायर अटोमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं इसके अंदर, मतलब डाउन द ग्रुप हम जाएंगे तो जो हायर अटोमिक नंबर के एलिमेंट्स हैं वो कौन सी ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं? +1। और क्यों शो करते हैं? ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। क्यों शो करते हैं? इसके पीछे रीज़न है ड्यू टू इनर्ट पेयर इफेक्ट। अब जो इनर पेयर इफेक्ट का मतलब क्या होता है, जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाएंगे तो डी और एफ ऑर्बिटल्स जो हैं वो भी आना शुरू हो जाएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं सपोज बोरोन, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम, ठीक है। तो देखिए अगर हम बोरोन की बात करते हैं तो बोरोन के अंदर जो आउटरमोस्ट कॉन्फिग्रेशन है वो होगा हीलियम 2s2p1, ठीक है। अगर हम बात करते हैं एल्यूमिनियम की तो होगा नियॉन 3s2 3p1, ठीक है। गैलियम की बात करते हैं तो आर्गन, और यहाँ पे आ जाएगा 3d10 4s2 4p1। अगर हम इंडियम की बात करते हैं तो यहाँ पे आएगा ज़ेनॉन और आ जाएगा 4f14 5t10 6s2 6p1। अगर हम टेलुरियम की बात करते हैं तो यहाँ आ जाएगा रेडॉन और क्या आ जाएगा 5f14, ठीक है, 6t10 7s2 and 7p1। तो बच्चों देखो मैंने कॉन्फ़िगरेशन इसलिए लिखा है ताकि मैं आपको इनर पेयर इफेक्ट इजीली समझा पाऊँ। देखिए जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जा रहे हैं तो डी ऑर्बिटल और जो एफ ऑर्बिटल है वो भी ऐड ऑन होते जा रहे हैं। और अगर हम बात करें डी और एफ ऑर्बिटल की तो इनका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है, वो क्या होता है? कम होता है। इनका स्क्रीन इफेक्ट होता है कम, क्योंकि ये क्या होते हैं? डिफ्यूज्ड होते हैं। ये डिफ्यूज्ड ऑर्बिटल होते हैं तो इनका स्क्रीन इफेक्ट कम होता है। स्क्रीन इफेक्ट कम होने की वजह से, डिफ्यूजन ज़्यादा होने की वजह से जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो ज़्यादा लगता है। उसका मतलब क्या हुआ? जो न्यूक्लियस है वो आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन्स को, मतलब जो अंदर के इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको तेज़ी से अट्रैक्ट करेंगे। अगर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को क्या करेंगे? अच्छे से अट्रैक्ट करेंगे। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स को अच्छे से अट्रैक्ट करते हैं तो जो हमारे पास में इनर एस ऑर्बिटल है, इनर एस के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये भी न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। तो कौन करेगा? सिर्फ आउटर ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स, दैट इज़ पी के इलेक्ट्रॉन्स। दैट इज़ वाई हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जैसे ही हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो डी और एफ की वजह से स्क्रीन इफेक्ट कम हो जाता है। इट मीन्स डिफ्यूजन ये ज़्यादा होता है इनके अंदर, इसकी वजह से स्क्रीन इफेक्ट कम होता है। तो हम ये कह सकते हैं कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया। अगर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ गया है तो वो अंदर के जो शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स उनको अट्रैक्ट करेंगे, तो सिर्फ बाहर का जो इलेक्ट्रॉन है वो ही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर पाएगा। इसलिए डाउन द ग्रुप +1 की ऑक्सीजन स्टेट हम ज़्यादा देखते हैं इन कंपेयर टू +3, ठीक है बच्चों। तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया और ऑक्सीडेशन स्टेट को भी समझ लिया, और +1 क्यों देता है? इनर पेयर इफेक्ट की वजह से। आई होप ये अभी क्लियर हो चुका है आपको। तो बच्चों अब हम चलते हैं एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई की तरफ। नाउ स्टूडेंट लेट्स सी अबाउट दी एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई। देखो बच्चों एटॉमिक और आयनिक रेडियाई जनरली हम जब देखते हैं, हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है ना, डाउन द ग्रुप जब हम जाते हैं तो साइज इंक्रीज होता है। बट यहाँ पे हमें थोड़ा सा ट्रेंड वेरिएशन दिखेगा, ठीक है।
ये इंक्रीज होते होते फिर से कुछ एकदम से ट्रेंड चेंज कर देता है। देखिए कैसे, अगर मैं बात करती हूँ बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम की, ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं एटॉमिक रेडियाई की, मैं बात कर रही हूँ अभी एटॉमिक रेडियाई की, जो किस में है, पिकोमीटर में है, ठीक है। तो देखो बोरोन का एटॉमिक रेडियाई क्या है, 85। तरीके से जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी ट्रेंड में, तो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ते हैं तो साइज बढ़ना चाहिए, तो 85 से एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा होना चाहिए। देखते हैं कितना होता है बच्चों, एल्यूमिनियम का जो एटॉमिक रेडियाई होता है वो होता है 143 पिकोमीटर, तो ज़्यादा है, ठीक है, अभी तक सब कुछ ठीक चल रहा है, नंबर ऑफ शेल के हिसाब से साइज बढ़ना चाहिए, बढ़ रहा है। अब गैलियम देखते हैं, गैलियम का और ज़्यादा होना चाहिए, यहाँ पे देखिए गैलियम का साइज़ क्या रहा बच्चों, 135 पिकोमीटर, आपने नोटिस किया इसका जो साइज़ है गैलियम का वो बढ़ना चाहिए, पर इसका साइज़ क्या हो गया है, कम हो गया है, ठीक है। उसके बाद जब हम इंडियम की बात करते हैं तो इंडियम का जो साइज़ होता है बच्चों वो होता है 167, बढ़ रहा है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा एक्सेप्शन केस आ रहा है इस जगह पे, बाकी सब कुछ अभी ठीक चल रहा है। अगर हम टेलुरियम की बात करते हैं तो वो होता है 170 पिकोमीटर, चलो ये भी ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे इस जगह पे हम देखेंगे तो कुछ इरेगुलरिटी आई है, कुछ प्रॉब्लम आई है, तो इसके पीछे क्या रीज़न है हम वो देख लेते हैं। देखो अब हम देखते हैं रीज़न वाई एल्यूमिनियम हैज़ मोर साइज इन कंपेयर टू गैलियम, ठीक है, बाकी सब ट्रेंड तो ठीक चल रहा है, सिर्फ हमें यहाँ पे गड़बड़ दिख रही है, तो हम सिर्फ इसका रीज़न पढ़ते हैं। देखो बच्चों अगर आप देखेंगे एल्यूमिनियम के बाहर का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो एल्यूमिनियम में होता है 3s2 and 3p1, पर अगर आप गैलियम को देखते हैं बच्चों तो इसमें देखिए क्या होता है, 3d10 4s2 4p1, ठीक है, ये है अपने पास में गैलियम का और ये हमारे पास में है एल्यूमिनियम का। अब बच्चों ने नोटिस किया कि गैलियम के अंदर कौन सा ऑर्बिटल ऐड ऑन हो रहा है, डी ऑर्बिटल ऐड ऑन हो रहा है, और डी का नेचर क्या होता है बच्चों, ये जो डी जो होता है ये डिफ्यूज्ड होता है, क्या होता है, ये डिफ्यूज्ड होता है। और अगर इसका हम स्क्रीनिंग इफेक्ट की बात करें तो इसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट है, ठीक है, शील्डिंग इफेक्ट है, वो क्या है, कम है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट कम होने की वजह से, मतलब हम ये बोल सकते हैं इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बीच में जो रिपल्शन है वो कम होने की वजह से, ये डिफ्यूज़ होने की वजह से जो न्यूक्लियस है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाएगा। अगर अट्रैक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा, साइज़ कम हो जाएगा। बच्चों वापस मैं रिपीट कर लेती हूँ, अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन है तो देखिए, अगर हम वेरिएशन देखिए कॉन्फ़िगरेशन में, तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल ऐड हुआ है, और डी ऑर्बिटल जब भी ऐड होता है, मतलब डी ऑर्बिटल कैसा होता है, डिफ्यूज्ड होता है, ठीक है ना, ये डिफ्यूज्ड होता है, उसका जो स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट होता है वो कम होता है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस है वो बाहर के इलेक्ट्रॉन को बहुत अच्छे से अट्रैक्ट कर पाता है, ठीक है, और अट्रैक्ट करने की वजह से साइज़ कम हो जाता है। शील्डिंग इफेक्ट का बच्चों मतलब ये होता है कि हम ये मान सकते हैं सिंपल वर्ड्स में कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन रिपल्शन कम है, रिपल्शन कम है मतलब क्या ज़्यादा होगा, अट्रैक्शन ज़्यादा होगा, तो अट्रैक्शन ज़्यादा होने से क्या हो जाएगा, साइज़ कम। और हम देख सकते हैं कि गैलियम का साइज़ कम है, ठीक है, तो गैलियम का साइज़ क्यों कम है, क्योंकि इसमें डी ऑर्बिटल इंट्रोड्यूस हुआ है, एड ऑन हुआ है, इस वजह से, ठीक है। उसके बाद में नॉर्मल ट्रेंड हमें इंक्रीजिंग ऑर्डर में ही मिलता है, क्योंकि एन वैल्यू इंक्रीज हो रही है, ठीक है, एन वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से साइज़ इंक्रीज हो रहा है। एन का मतलब क्या है बच्चों, नंबर ऑफ शेल, हम शेल की बात कर रहे हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एनर्जी लेवल, ठीक है, तो एन का मतलब है शेल, शेल इंक्रीज होने की वजह से, सेल इंक्रीज होने की वजह से साइज भी क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पे सिर्फ इस जगह पे हमें एक्सेप्शन मिल रहा है, सिर्फ ये हमारे पास में एक्सेप्शन है, उसके पीछे रीजन है एडिशन ऑफ डी, ठीक है, एडिशन ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इसका साइज कम हो रहा है एल्यूमिनियम के कंपेयर में,
ठीक है बच्चों, सिंपल समझ में आ गया है। अब हम इसी का देख लेते हैं आयनिक रेडियाई। तो देखो बच्चों, अगर साइज डाउन द ग्रुप बढ़ रहा है नॉर्मल एटम का, एलिमेंट का, तो आयनिक रेडियाई भी सेम ट्रेंड शो करना चाहिए। ठीक है, अगर बोरोन के कंपेयर में मैं उसके अगर आयन की बात करती हूँ, तो नो डाउट आयन का साइज छोटा होगा, क्योंकि कैटायन, इसने इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए। अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर दिए तो इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए, तो जो प्रोटॉन्स है न्यूक्लियस में वो तेजी से इसको अट्रैक्ट करेंगे, तो साइज इसका कम हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर कंपेयर करें तो उसका साइज कम है, लेकिन अगर हम ट्रेंड में देखेंगे तो जो ट्रेंड हमें एटॉमिक रेडियाई का मिल रहा है, वही ट्रेंड हमें क्या मिलना चाहिए बच्चों, इसका व्हाट वी से आयनिक रेडियाई का मिलना चाहिए। ठीक है, तो देखते हैं आयनिक रेडियाई का ट्रेंड क्या है। तो बच्चों यहाँ पे हम देख रहे हैं आयनिक रेडियाई के बारे में, मतलब M3+ के बारे में, तो हम देख रहे हैं आयनिक रेडियाई। अब देखो बोरोन का जो आयनिक रेडियाई है वो है 27 पिकोमीटर, इसका लगभग 53 पिकोमीटर होता है, गैलियम का लगभग 62 पिकोमीटर, इंडियम का 80 और इसका लगभग 88 पिकोमीटर। तो बच्चों देखो डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पे डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स है वो निकल चुके हैं, तो अब कोई भी हमें ये जो इफेक्ट हम देख रहे थे वैसा इफेक्ट हमको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, तो क्योंकि जो एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉन्स थे, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स थे, वो निकल चुके हैं, तो अब इसकी वजह से कोई भी एक्स्ट्रा इफेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है, जैसे पहले हो रहा था वैसा अब यहाँ पे कोई भी केस नहीं है। इसलिए जैसे जैसे आप देखेंगे डाउन द ग्रुप जा रहे हैं, वैसे वैसे साइज इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये रेगुलर ट्रेंड है, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, दिस इज ऑल अबाउट द एटॉमिक रेडियाई, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। सो नाउ लेट अस सी अबाउट द आयनाइजेशन एनर्जी। स्टूडेंट्स, आयनाइजेशन एनर्जी का मतलब होता है अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट आउट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम आउटरमोस्ट शेल। बाहर की शेल में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उस एनर्जी को हम बोलते हैं आयनाइजेशन एनर्जी। ठीक है, और जब हमने साइज के साथ हमने इसका रिलेशन देखा था, तो हमने देखा था कि अगर साइज ज़्यादा है तो कम एनर्जी चाहिए हमें इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। तो अगर हम साइज, और यहाँ पे मैं ई कर देती हूँ ताकि आपके लिए इजी हो जाएगा, आई एम राइटिंग हियर ई। ठीक है, तो साइज अगर कम है तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए, साइज अगर ज़्यादा है तो एनर्जी कम चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। ठीक है, तो चलो अब हम एक बार ट्रेंड लिख देते हैं वापस से। देखो बोरोन है, एलुमिनियम है, गैलियम, इंडियम एंड थेलियम। अब देखो बच्चों, हमने यहाँ पे देखा था ट्रेंड हमारा बिल्कुल नॉर्मल चल रहा था, डाउन द ग्रुप क्या होता है, साइज इंक्रीज हो रहा था। लेकिन अगर हम इन दोनों के कंपेयर में करें तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल होने की वजह से एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा था और गैलियम का साइज क्या था, कम था। ठीक है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे एक एक्सेप्शन देखा था साइज फैक्टर के अंदर, तो हमने यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो डाउन द ग्रुप हम जब देख रहे हैं, एक्सेप्शन छोड़ दीजिए, उसके अलावा जब हम देख रहे हैं तो साइज इंक्रीज हो रहा है। अगर साइज इंक्रीज हो रहा है तो आईपी क्या होना चाहिए, आयनाइजेशन एंथैल्पी या एनर्जी क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। तो हम इनकी वैल्यू देख लेते हैं बच्चों। आईपी अगर फर्स्ट की मैं बात करूँ तो देखिए बोरोन की जो आईपी फर्स्ट है वो है 801, ठीक है, किलोजूल पर मोल। अगर एल्यूमिनियम की हम बात करते हैं तो वो है 577 किलोजूल पर मोल। गैलियम की अगर हम बात करते हैं तो वो है 579 किलोजूल पर मोल। अगर हम इंडियम की बात करते हैं तो 558 एंड लास्ट वन इज हैविंग 589। अब बच्चों देखो, जब हम नीचे जा रहे हैं साइज बढ़ रहा है तो आईपी कम होना चाहिए। इसके कंपेयर में इसको देखिए तो आईपी कम है, ठीक है, इसके कंपेयर में जब इसको देख रहे हैं तो आईपी ज़्यादा है। ऐसा क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि इसका साइज ज़्यादा है तो उसकी आईपी कम होनी चाहिए, इसका साइज कम है तो उसकी आईपी ज़्यादा होनी चाहिए। तो ठीक है, प्रॉपर चल रहा है, हमने जो इसका तो हमने रीज़न पहले ही पढ़ लिया है। तो अगर रीज़न हम अभी ना देखें, कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, हम सिर्फ साइज फैक्टर को देखें तो वो बिल्कुल प्रॉपर चल रहा है। अब इसके कंपेयर में साइज इसका ज़्यादा है तो उसकी आईपी कम होनी चाहिए, इसके कंपेयर में देख लो उसकी आईपी कम है। अब बच्चों यहाँ पे वापस से एक एक्सेप्शन आ गया है आईपी का, आई एम यूजिंग अनदर कलर पेन समझाने के लिए। यहाँ देखिए साइज इसका कम है तो आईपी ज़्यादा होनी चाहिए, साइज इसका ज़्यादा तो आईपी कम होनी चाहिए, पर यहाँ पे ऑपोजिट चल रहा है। नोटिस कीजिए साइज के रिलेशन से अगर हम इस वैल्यू को नोट डाउन करें तो ये कुछ मैच नहीं हो रहा है। यहाँ पे तो हमें रीज़न पता है
यहाँ पे हमें रीजन पता है, डी ऑर्बिटल आ रहा है, डी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, इस वजह से स्क्रीनिंग टुवर्ड्स द न्यूक्लियस कम हो जाएगा। इसका मतलब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो डी गैलियम का साइज कम हो रहा है, और गैलियम का साइज कम होने की वजह से आयनाइजेशन एंथैल्पी बढ़ रही है इसके कंपेयर में। साइज फैक्टर अगर ये कम है तो ये बढ़ेगा। सब कुछ सही है, यहाँ पे हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें पढ़ भी चुके हैं, बट अब यहाँ पे ये नया आ चुका है। पहले हमने साइज का ऐसा कोई भी फैक्टर नहीं देखा था, बट यहाँ पे हम इसको देख सकते हैं। देखो बच्चों, अब इसके पीछे रीज़न क्या है, अगर आप इंडियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे और थेलियम का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे, तो बच्चों इसके अंदर 14 जो एफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, 14F ऑर्बिटल ऐड होता है, मतलब 14F के इलेक्ट्रॉन्स ऐड होते हैं, और अगेन जो F है बच्चों उसका भी स्क्रीनिंग इफेक्ट क्या होता है, पुअर होता है, वीक होता है। इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, जो न्यूक्लियर चार्ज है ऑन इलेक्ट्रॉन, न्यूक्लियर चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन क्या लगेगा बच्चों, ज़्यादा लगेगा, है ना। अगर ज़्यादा लगेगा न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन पे, तो ये न्यू इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होंगे। अगर ये अट्रैक्ट होंगे तो इनको निकालना इतना इजी नहीं है, इनको निकालना इतना इजी नहीं है, ठीक है। तो जब इलेक्ट्रॉन निकालना इजी नहीं है, मतलब हमें इसको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो यही रीज़न है कि अगर टॉलरियम की बात करते हैं, तो इसका जो आईपी है या आयनाइजेशन एंथैल्पी है, एनर्जी है, वो ज़्यादा है, क्योंकि इसमें 14F के इलेक्ट्रॉन इंट्रोड्यूस हो गए हैं, जिसका स्क्रीनिंग इफेक्ट कम है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है ऑन इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन तेज़ी से अट्रैक्ट होंगे उनकी तरफ, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। वी हैव टू गिव हाई एनर्जी इन ऑर्डर टू इजेक्ट आउट दैट इलेक्ट्रॉन। इसलिए इसकी वैल्यू क्या है बच्चों, इसके कंपेयर में इसकी वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी का भी कॉन्सेप्ट पढ़ लिया है, ठीक है। अब बच्चों अगर मैं बात करती हूँ, ये तो हो गई हमारे पास में फर्स्ट आईपी, ठीक है। मतलब मैंने जब इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाला तो ये बी प्लस में कन्वर्ट हो गया, ये ए एल प्लस में कन्वर्ट हो गया, ठीक है, ये जी ए प्लस में कन्वर्ट हो गया, इस तरीके से। लेकिन अब अगर इन प्लस में से मुझे और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो, इन प्लस में से मुझे अगर और इलेक्ट्रॉन्स निकालने हो बच्चों, तो हम क्या देंगे, आईपी सेकंड देंगे, है ना। फर्स्ट आईपी दी हमने, तब ये इसमें कन्वर्ट हो गया। जैसे मैं एग्जांपल कोट करती हूँ, मान लीजिए कि बोरोन ने एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, और बोरोन ने बनाया बी पॉजिटिव और वन इलेक्ट्रॉन इसने लूज कर लिया। यहाँ पर जो हमने एनर्जी दी वो थी आईपी वन। अब इस बोरोन प्लस में से मैं एक और इलेक्ट्रॉन लूज कराऊंगी, तो क्या बनेगा हमारे पास में, बोरोन टू प्लस, और इसमें जो एनर्जी रिक्वायर्ड होती है हम उसको बोलते हैं आईपी टू। अब वापस इस बोरोन टू प्लस में से अगर मैं इलेक्ट्रॉन निकालती हूँ, तो बनाएगा बोरोन थ्री प्लस, और एक इलेक्ट्रॉन लूज जाएगा, उसको हम बोलते हैं आईपी थ्री। तो बच्चों जब हम इस आईपी वन, आईपी टू, आईपी थ्री को कंपेयर करते हैं, तो देखिए क्या ट्रेंड होता है, जो आईपी वन है वो लेस होती है इन कंपेयर टू आईपी टू, और आईपी जो थ्री है उसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। अब उसके पीछे बच्चों को दो रीज़न है। पहली बात तो ये है, अगर आप इस बोरोन के आउटोमो शेल की कॉन्फ़िगरेशन की बात करते हैं, तो देखो क्या होता है, एन एस टू एन पी वन, ठीक है। अगर आपने यहाँ बाहर में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, है ना, जैसे हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो बाहर पीछे क्या बच रहा है, एन एस टू, ठीक है, टू। अब यहाँ पे ये जो है कॉन्फ़िगरेशन, ये एल्कलाइन अर्थ मेटल का हो चुका है, इस एस ऑर्बिटल में टू इलेक्ट्रॉन कम्प्लीटली फिल्ड है, तो ये रिएक्ट करना नहीं चाहेगा, तो आप इसको बहुत ज़्यादा एनर्जी देंगे तब जाके ये रिएक्ट करेगा, इसलिए आईपी टू की वैल्यू ज़्यादा है, ठीक है। अगर ये नहीं, तो आप दूसरा कॉन्सेप्ट भी इंक्लूड कर सकते हैं, वो ये है कि बोरोन के कंपेयर में बोरोन का जो आयन है उसका साइज बहुत छोटा है। अगर साइज छोटा है तो वो इलेक्ट्रॉन्स को बहुत ही टाइटली अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और अगर वो बहुत टाइटली अट्रैक्ट करता है तो हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, ठीक है बच्चों। ये जो कॉन्सेप्ट है, मैं ये आयन वाले टॉपिक में आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, ठीक है। तो आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट भी समझ में आ गया है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम स्टेप्स बढ़ाते हैं, मतलब आईपी की हम बात करते हैं, आईपी वन, आईपी टू, आईपी थ्री, तो आईपी वन के कंपेयर में आईपी टू की वैल्यू ज़्यादा होती है, एंड आईपी टू के कंपेयर में आईपी थ्री की वैल्यू
ज़्यादा होती है। ठीक है बच्चों, अगर मैं आईपी वर्ड लिख रही हूँ उसका मतलब आयनाइजेशन एंथैल्पी ही है, क्योंकि आयनाइजेशन एंथैल्पी को आयनाइजेशन पोटेंशियल भी कहते हैं, इसलिए मैं बार बार आईपी लिख रही हूँ। ठीक है, लेकिन मीनिंग दोनों ही एक ही है, कन्फ्यूज़ नहीं होना है। सो स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट दी आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन एंथैल्पी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, जो है इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटेलिक नेचर। सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस सी अबाउट द इलेक्ट्रो पॉजिटिव और मेटेलिक कैरेक्टर, मतलब इनकी टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। तो बच्चों, अगर हम फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप से इनको कंपेयर करें, फर्स्ट मतलब एल्कलाइन मेटल एंड सेकेंड ग्रुप मतलब एल्कलाइन अर्थ मेटल, उससे अगर हम इस 13 ग्रुप को कंपेयर करते हैं, थर्ड ए ग्रुप को अगर कंपेयर करते हैं बच्चों, तो इसका साइज़ क्या है, इसका साइज़ इन दोनों ग्रुप के कंपेयर में, इन दोनों ग्रुप के कंपेयर में इस थर्ड ग्रुप का साइज़ कम है। अगर साइज़ कम है बच्चों, तो इसका इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर क्या होगा, कम होगा। साइज से डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, अगर हम बात करते हैं मेटेलिक नेचर की या फिर इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर की, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है साइज से। कैसे, बहुत सिंपल है। देखो बच्चों, अगर ये हमारे पास न्यूक्लियस है, ये साइज में सीधा बड़ा साइज दिखा रही हूँ, ठीक है, ये साइज ज़्यादा है, तो अगर डिस्टेंस न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अगर डिस्टेंस बढ़ जाएगा, तो इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स है वो क्या हो जाएगा, कम। अगर अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, तो उस केस में ये जो इलेक्ट्रॉन है इससे कम अट्रैक्टेड होगा, तो ईजीली ये बाहर निकल सकता है, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर शो कर सकता है। तो बच्चों, अगर हम फर्स्ट और सेकंड ग्रुप के कंपेयर में अगर बात करें, तो फर्स्ट और सेकंड ग्रुप की इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर जो है वो ज़्यादा होता है इन कंपेयर टू दी 13 ग्रुप, क्योंकि इनका साइज़ क्या है, कम। और साइज़ कम है मतलब न्यूक्लियस से इलेक्ट्रॉन का डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियस ज़्यादा अट्रैक्टेड है, तो हमें ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब इन शॉर्ट इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर कम है। अब बच्चों, हम ट्रेंड की बात करते हैं, तो देखिए हमारे पास में है बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम। अब जब हम बात करते हैं बच्चों इसके अंदर, तो यहाँ से बोरोन से जो एल्यूमिनियम तक हम जाते हैं, देखो हम जानते हैं डाउन द ग्रुप हम जा रहे हैं, तो साइज़ क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है, हमने देखा था साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है इसके कंपेयर में, इसका है उसके बाद में इसका और इसका, ठीक है। तो हम जब देखते हैं डाउन द ग्रुप हम जब जा रहे हैं, तो साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, तो स्पेसिफिकली यहाँ तो हमें एकदम स्ट्रॉन्ग इंक्रीज दिख ही रहा है, ठीक है, उसके बाद थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हो रहा है, तो यहाँ तो हम बोल सकते हैं कि साइज इंक्रीज हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर यहाँ तक की हम बात करें तो इंक्रीज हो रहा है, मतलब एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर ज़्यादा होगा, बोरोन का इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर कम होगा। क्यों? क्योंकि इसका साइज कम है, इसलिए इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर भी कम है। लेकिन जब हम बच्चों इससे आगे जाते हैं, गैलियम, इंडियम और टेलुरियम पे हम बात करते हैं, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब हम यहाँ नीचे जा रहे हैं, तो यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन्स एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, डी 10 एंड एफ 14 इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यहाँ पे आईपी की वैल्यू बढ़ रही थी, इनका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था और आईपी की वैल्यू बढ़ रही थी, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देना प्रिफर नहीं करेंगे, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ गैलियम से इंडियम की बात करते हैं, तो इनका जो इलेक्ट्रो पॉजिटिव नेचर है बच्चों वो क्या होता है, कम, इनका इलेक्ट्रो पॉजिटिव बिहेवियर क्या होता है, कम। क्यों? क्योंकि इनके अंदर डी और एफ ऑर्बिटल है, इलेक्ट्रॉन्स हैं ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इलेक्ट्रॉन को टाइटली हेल्ड करेगा, इसका मतलब आईपी क्या हो जाएगी, ज़्यादा, अगर आईपी ज़्यादा चाहिए मतलब वो इजीली लूज नहीं कर रहे, इसका मतलब इलेक्ट्रो पॉजिटिव कम हो गए हैं, तो ये इलेक्ट्रो पॉजिटिव ज़्यादा हैं और नीचे वाले जो एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रो पॉजिटिव कम हैं, ठीक है बच्चों। अब इसी के अंदर अगर हम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात करते हैं, ठीक है, अगर हम इलेक्ट्रो नेगेटिविटी की बात करते हैं, तो देखो सेम हम इसी में पढ़ लेते हैं इलेक्ट्रो नेगेटिविटी को, तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू जो है वो बोरोन के लिए तो है हमारे पास में 2.0, अगर हम बात करें एल्यूमिनियम की तो वो है 1.5, गैलियम का है 1.6, इंडियम का है 1.7
एंड टेलुरियम का है 1.8। तो बच्चों देखो वापस सेम यहाँ पे ये बोरोन जो हम जानते हैं सबसे स्मॉलेस्ट है, क्योंकि जब डाउन द ग्रुप जाते हैं तो साइज बढ़ता है, तो बोरोन का साइज सबसे छोटा है, इसकी आईपी सबसे ज़्यादा है, तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा है। ठीक है, इसको नॉन मेटल इसलिए कहा गया है, ठीक है, ये नॉन मेटलिक बिहेवियर शो करता है, बाकी सारे मेटलिक बिहेवियर शो करते हैं। तो इसकी जो साइज इसका कम होने की वजह से बोरोन का साइज कम है, कम होने की वजह से इसका इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज़्यादा है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर जो है वो साइज से इन्वर्सली प्रोपोर्शन होता है, साइज कम तो इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ज़्यादा। यहाँ लिख देते हैं साइज और इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर ऑपोजिट चलते हैं, क्योंकि साइज एंड इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर डायरेक्टली चलते हैं। ठीक है, तो साइज कम होने की वजह से इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। अब देखिए इसकी कंपेयर में, बोरों के कंपेयर में एल्यूमिनियम का साइज ज़्यादा है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। ठीक है, इन दोनों में हम देखें तो गैलियम का साइज कम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है। ठीक है, उसके बाद में देखिए हम जैसे जैसे नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही है। क्यों बच्चों? सेम इफेक्ट जो अभी हमने यहाँ पे पढ़ा, क्योंकि यहाँ पे डी और एफ, पहले डी और बाद में एफ के इलेक्ट्रॉन्स एड ऑन हो रहे हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियस के और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, आईपी बढ़ जाएगी, या इन शॉर्ट हम ये बोल सकते हैं कि अट्रैक्शन बढ़ने की वजह से इलेक्ट्रॉन को वो ईजिली गेन करेगा। तो यहाँ पे जब हम देखेंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी धीरे धीरे बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि डी और एफ के इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। ठीक है बच्चों, सो दिस इज अबाउट द इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर एंड इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर। अब हम पढ़ने वाले हैं अबाउट मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। सो स्टूडेंट्स नाउ लेट अस सी अबाउट द मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट की जब बात करें तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं बॉइलिंग पॉइंट की, क्योंकि ये बहुत सिंपल है। जब भी हम बोरोन से डाउन द ग्रुप जाते हैं टेलुरियम की तरफ तो जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो डिक्रीज होता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो रहा है? डाउन द ग्रुप डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि जो बॉइलिंग पॉइंट है बच्चों वो डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। ठीक है, ये डिपेंड करता है ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड। और जैसे जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं तो स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड इन सॉल्यूशन जो होता है, इन लिक्विड जो होता है, वो डिक्रीज होता है। तो क्योंकि स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप, ठीक है, तो इस वजह से बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है? कम होता है। तो पहले हम यहाँ रीजन लिख देते हैं प्रॉपर वे में कि वाई इज इट डिक्रीजिंग डाउन द ग्रुप। सो इट इज डिक्रीजिंग बिकॉज ऑफ दी स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड होल्डिंग एटम्स इन लिक्विड स्टेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। ठीक है, तो अगर स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है डाउन द ग्रुप तो इस वजह से मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे तो कोई भी इशू नहीं है, लेकिन अगर हम बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट की तो बच्चों मेल्टिंग पॉइंट में यहाँ पे इरेगुलरिटी हमें दिखती है। मेल्टिंग पॉइंट में हमें क्या दिखती है? इरेगुलरिटी दिखती है। तो मैं आपको बताती हूँ पहले मेल्टिंग पॉइंट क्या है। तो हम पहले एलिमेंट्स की नेम लिख देते हैं, सिंबल लिख देते हैं, बोरोन एल्यूमिनियम गैलियम इंडियम एंड। अब हम इसका मेल्टिंग पॉइंट बताते हैं केल्विन में। तो देखो केल्विन में इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है, फर्स्ट बोरोन का है 2453 केल्विन, एल्यूमिनियम का है 933 केल्विन, इसका है 303, फिर से अब बढ़ जाएगा थोड़ा सा तो हो जाएगा 430 केल्विन, उसके बाद में लास्ट अगर हम इसकी बात करें तो और बढ़ जाएगा, वो हो जाएगा 576 केल्विन। तो बच्चों आप देखेंगे तो इसमें रेगुलर ट्रेंड नहीं है, ये इरेगुलर ट्रेंड है। और इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे रीज़न है कि इनका इंट्रैक्शन, जो इंटर एटोमिक इंट्रैक्शन होता है और स्ट्रक्चर होता है सॉलिड स्टेट में, उसकी वजह से ये सब इरेगुलर ट्रेंड शो करते हैं। तो इरेगुलर ट्रेंड क्यों शो करते हैं? ड्यू टू इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन
फर्स्ट पॉइंट, और सेकंड ये क्या शो करते हैं, इनकी स्ट्रक्चर्स की वजह से, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स इन सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो क्योंकि इनका इंटर एटॉमिक स्ट्रक्चर जो इंट्रैक्शन है वो डिफरेंट होता है, प्लस जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होता है, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट भी वेरी करता है। जिसके इंट्रैक्शन ज़्यादा होगा उसका मेल्टिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा, जिसका इंट्रैक्शन कम होगा, वीक होगा, उसका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, वीक होगा। अब बच्चों इसके अंदर हम देखें तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जो बोरोन है उसका सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है। तो बच्चों बोरोन का सबसे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होता है अमंग दी ऑल, ठीक है, क्योंकि ये एक स्पेशल बहुत ही अलग टाइप का स्ट्रक्चर शो करता है जिसको हम बोलते हैं, बोरोन जो स्ट्रक्चर शो करता है उसको हम बोलते हैं आइकोसाहेड्रॉन। अब बच्चों ये जो आइकोसाहेड्रॉन है इसके अंदर टोटल 12 कॉर्नर्स होते हैं एंड 12 ही फेसेस होते हैं, और इसमें जो कार्बन के एटम्स होते हैं वो भी 12 एटम्स होते हैं। ठीक है, तो ये जो 12 एटम्स होते हैं ये आइकोसाहेड्रॉन की शेप में अरेंज्ड होते हैं, और इस आइकोसा स्ट्रक्चर के अंदर 12 कॉर्नर्स होते हैं, 12 फेस होते हैं, और बहुत ही स्ट्रांग इंट्रैक्शन होता है, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो सबसे हाईएस्ट है। ठीक है बच्चों, तो बॉइलिंग पॉइंट में हमें प्रॉपर ट्रेंड मिलता है ड्यू टू द स्ट्रेंथ ऑफ दी बॉन्ड्स, लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो उसमें कोई प्रॉपर रेगुलर हमें ट्रेंड नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है इंटर एटॉमिक इंट्रैक्शन और स्ट्रक्चर के ऊपर, और इन सब की इंटर एटॉमिक जो इंट्रैक्शन है और स्ट्रक्चर है वो वेरी करते हैं, इसलिए हमें प्रॉपर ट्रेंड नहीं मिलता है इसके अंदर। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि बोरोन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि जो उसका स्ट्रक्चर है वो है आइकोसाहेड्रॉन। ऑल अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द बोरोन फैमिली, नाउ वी आर गोइंग टू मूव टूवर्ड्स द केमिकल रिएक्टिविटी।